अगर फैक्स अध्यक्ष हम लोग को कहते कि नहीं हम लोग के पास जमा किया जाए, कभी भी हमारा धान नहीं फैक्स में लिया गया, हम 10 रुपए किलो धान बेच दिए। आगामी नवंबर में संभावित पैक्स चुनावों के पूर्व शिरघाटी के गांवों में पैक्स की सदस्यता को लेकर ग्रामीणों में होड़ मची है। एक ओर जहां तमाम पैक्स अध्यक्ष ग्रामीणों के सदस्यता आवेदन को तरह तरह की खामियां निकालकर धड़ाधड़ रद्द कर रहे हैं, वहीं ग्रामीणों ने भी अब सदस्यता आवेदन रद्द होने पर शिकायत अपील के साथ सहयोग समितियों के सहायक निबंधक कार्यालय का रुख किया है। किसान आदमी है जी, और उसमें खेती हम लोग करते हैं पूंजी लगा करके, ट्रैक्टर जुताई भी और खाद भी, और उसमें हम लोग धान 10 रुपए किलो बेचना पड़ता है। अगर फैक्स अध्यक्ष हम लोग को कहते कि नहीं हम लोग के पास जमा किया जाए, कभी भी हमारा धान नहीं फैक्स में लिया गया, हम 10 रुपए किलो धान बेच दिए। सदस्य के लिए नाम दो बार तीन तीन बार ऑनलाइन करके भी नाम कट जा रहा है सर। अच्छा। समझ गए कि नहीं, हम लोग कितना बार जमा किए उसका नाम नहीं आया। हम लोग कादरीगंज आए हैं मल्हारी पंचायत के। क्या काम था? हम लोग का काम था पैक्स में नाम जुड़ाने के लिए। तो वहाँ गांव में नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा है। अथी करके जिसका बढ़िया आदमी है उसको नाम जुड़ा के पास में नाम जुटा दिया है, और जो गरीब है उसको नहीं नाम जुटाया। आए अथी बनाने के लिए, पैक्स में नाम जोड़ने के लिए आए। अच्छा, तो वहाँ नहीं जुड़ा था? नहीं जुटा था वहाँ। ग्रामीणों के शब्द, यह तमाम लोग इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पैक्स के गांवों से शिकायतों की सुनवाई के लिए शिरघाटी पहुंचे हैं। मैंने मौके पर मौजूद पैक्स प्रबंधक निर्मल कुमार से बात की। आपके खिलाफ अपील में लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले कि मैं सर निर्मल कुमार, पैक्स प्रबंधक मल्हारी, ठीक है सर जी। ये इन लोग ने कभी पेपर मेरे पास नहीं पहुँचाया कोई भी आदमी, ठीक है जी। और ये एक ही आदमी के द्वारा समूह में ऑनलाइन किया जा रहा है जो कि समिति के खिलाफ है। ये तो डीसीओ साहब भी जानते हैं और क्या हर तरह से जानते हैं कि समूह में नहीं होता है। पैक्स प्रबंधक की सफाई, दरअसल सारा खेल पैक्स पर कब्जे का है। वर्तमान अध्यक्ष नहीं चाहते कि दूसरे गुट के मतदाताओं की संख्या बढ़े, दूसरी तरफ नए और संभावित उम्मीदवार अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को वोटर बनाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। बिहार में 8463 पैक्स हैं और इनमें से 7500 पैक्सों के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। सहकारिता विभाग चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। हाल के दिनों में पैक्सों को सशक्त बनाया गया है, इसको लेकर पैक्स पर कब्जे की होड़ मची है।